वेलकम टू वेरीनाग इवेंट ऑफ मार्शल आर्ट्स। आपको बताते चले कि बिल्कुल हम ज़िले अनंतनाग के वेरीनाग इलाके में हैं। यहाँ पे जो मार्शल आर्ट्स का कैंप चल रहा है और इसकी सरबरा निगहत बशीर है, जो कि हाल ही में आप सब जानते हो कि एक पब्लिक फिगर है और मार्शल आर्ट्स में माशाल्लाह बहुत कुछ पाया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी लिखा हुआ है। और एक बात खुशी की है कि यहाँ पर आप ये देख भी सकते हो कि वॉइस ऑफ पीपल बिल्कुल स्पॉन्सर भी कर रहा है इस इवेंट को। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान जो मार्शल आर्ट्स की तरफ आना चाहते हैं उनको एनकरेज करें। हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि अगर मार्शल आर्ट्स में या कोई भी टैलेंट हो हमारी कश्मीर वादी में, अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो जाइए, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। और भी विजुअल से आपको रूबरू कराएंगे। प्लीज जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के पास जाए और आपका जो फॉर्म है आप एक फॉर्म बनाए, एप्लीकेशन बनाए। और जानते मैंने प्लेइंग किया है नॉर्थ जोन एंड प्रेजेंटली आई एम कैप्टन ऑफ रणजी ट्रॉफी टीम जे एंड के साइड से। तो मैंने बहुत सारे नेशनल्स खेले हैं, इंडिया ए खेला है, नॉर्थ जोन खेला है। तो मैं भी एक छोटे गाँव से निकली हुई एक पार्टिसिपेंट। आप सबका वेलकम है। निगत जो है मेरे पास कुछ दिन पहले आई थी और उसने कहा कि हमें एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना है जिसकी वजह से जो है हमारा कश्मीर का यूथ पार्टिसिपेट करेगा इन इवेंट्स में और स्पोर्ट्स के लिए जो है लोगों में रुझान पैदा होगा। तो ये एक बहुत बढ़िया स्टेप है। इसमें हम जम्मू कश्मीर पुलिस जो है आपके साथ है। जितने यूथ आगे आते हैं, जितने हमारे बच्चे लड़के और लड़कियाँ खेलों में आगे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी वजह से जो है हमारा दो तरफ से जो है बच्चों का ध्यान जो है हट जाएगा। एक है ड्रग्स और दूसरा है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। 1900 नडोरा में मेरी कंपनी है एंड निगत ने मुझे जब बताया कि इस तरह का इवेंट यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करिए तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एंड दी मेन जो सब्जेक्ट है उसका अदर देन फोकसिंग ऑन दी मार्शल आर्ट्स पार्ट, दैट इज से नो टू सुइसाइड एंड से नो टू ड्रग्स। मैं सीनियर मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन, इंटरनेशनल कोच, इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कोच एक्चुअली। मैंने कई स्टेट्स में गए और कई कंट्रीज में खेला है। आज हैदराबाद में काफ़ी बड़े इंटरनेशनल अकेडमीज हैं मेरे, जिसमें काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल तक खेल रहे हैं और फाइव बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल भी हैं। तो मैं जब यहाँ पर, निखत ने मुझे कॉल किया, बोले कि सर यहाँ पर स्पेशली कश्मीर में की जो भी यहाँ पे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जुड़े थे आप इस साइड में आके हम नाम अनाउंस करके तो उनके सम्मान। सर प्लीज कम ऑन द डाइस, मीर आशिफ। अच्छा, वॉइस ऑफ पीपल और ये जितने बाकी भी जो मीडिया चैनल्स हैं, वो भी बाकी सारे जो मीडिया चैनल्स हैं, हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। और ये जो हमारा इसका हमारे ये इवेंट का मैसेज एक ही है कि कश्मीर के लड़के और लड़कियों में अवेयरनेस आए और वो मार्शल आर्ट सीखें। और ये जो जो ये लोगों ने स्लोगन बनाया है कि से नो टू ड्रग्स एंड से नो टू सुसाइड, ओनली सेव द लाइफ। और इसके अलावा